पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक समय द्वारका के किनारे, द्वारका की बनी में, एक तो होता जंगल, एक होती है बनी, यानी स्मॉल फॉरेस्ट, छोटा जंगल जो गांव के नगर के आसपास होता है, उसको बनी बोलते हैं। तो वहां बनी में जाकर दुर्वासा ऋषि बैठ गए और दुर्वासा ऋषि के विषय में बहुत प्रसिद्धि थी, उसका बड़ा बोलबाला था, वेल नोन हो रहे थे कि भूत भविष्य और वर्तमान के वे पूर्ण ज्ञाता हैं। और उस समय यादव 56 करोड़ हो गए थे संख्या में, 56 करोड़ द्वारका के अंदर रहने वाले। और भगवान श्री कृष्ण जी ने कुछ एक ऐसे शरारती तत्वों को मार डाला था जिस कारण से वो हीरो पाक गए थे। प्रत्येक के हृदय में ये हो गया था कि इनसे ताकतवर पृथ्वी पर कोई नहीं, जिस कारण से यादव अभिमानी हो गए थे। वो साधु संतों की जो सत्कार करना भी छोड़ गए थे, उनके साथ बदतमीजियां करना शुरू कर दिया था। इसी बहम में उनका वो टाइम आ गया नाश होने का। अहंकार पुणात्माओं कोय कर लियो, अंत में उसको बहुत भारी चोट लगेगी। जीव जीव ही रहना चाहिए, जीव को अपने औकात का पता लगा रहना चाहिए ताकि वो अधीन बनकर रहे। अधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मन बड़ाई मारियो बे अदबी सिरकाल। विभीषण का भाग बडेरा, दसा तन आया तिसनेरा, दसा तन आया विश्वे बीसा, अर्ता को लंक देई बख्शीसा। ये उदाहरण देकर समझा रहे हैं परमात्मा के अधीन व्यक्ति के साथ भगवान होता है, और यहाँ के जो झूठे मूठे सुख हैं वो भी उस अधीन और भक्त को ही प्राप्त हुआ करते हैं। रावण ने कितनी भक्ति की, सिर भी काट कर चढ़ा दिए, लेकिन अभिमान नहीं गया। जिस लंका को वो रखना चाहता था उस लंका को उसे भी हाथ धोना पड़ा अंत में उस अहंकारी प्राणी ने, और एक अधीन बनकर भगवान की भक्ति करता था। परमात्मा आए हुए थे मुनिंदर नाम से, आए थे त्रेता युग में, जब मंदोदरी और विभीषण परमात्मा के शिष्य हुए थे। और परमात्मा के ज्ञान से अधीनी आती है, अधीनी शिक्षे पर सभी भगत के गुण संपन्न होते हैं, और जिसके अंदर भगत के गुण है वह भगवान रहता है। जिस कारण से विभीषण को वो लंका भी प्राप्त करवाई दाता ने, और रावण उस लंका को रख नहीं सका, वो भक्ति भी करता था लेकिन अभिमान नहीं कहा। तो कहने का भाव ये है कि इस सत्संग से आपको हरेक पहलू पर रोशनी दी जाएगी, ताकि आप परमात्मा के इस तत्व ज्ञान की रोशनी से कहीं ठोकर ना खावें, कहीं गिर ना जावें, अपना काम ना बिगाड़ लें। ये फाउल पॉइंट आपको गिनवाए जा रहे हैं भक्ति के अंदर दो होते। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि आदिनी के पास है वो पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो हो बेअदबी सिरकाल। विभीषण का भाग बडेरा, के बड़भागी था विभीषण, के दासा तन आया तिसनेड़ा, के उसके पास आधिनी आई। विभीषण का भाग बडेरा, दासा तन आया तिसनेड़ा, दासा तन आया बिस्वे बीसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासा तन है भाई, लंक बकसते वार न लाई। फिर परमात्मा कहते हैं कि उस नम्र आत्मा विभीषण भगवान की सद्भक्ति करता था, तो यह झूठा सुख भी अगर तुम्हें चाहिए तो भी इस तरीके से मिलेगा। अधीन रहो, जब तक रहो आपको सुख का सांस रहेगा और फिर मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पे कि यादव सभी भगवान श्री कृष्ण जी की आड़ में
अहंकारी हो गए, साधु संतों का सत्कार त्याग दिया, उनके साथ मजाक करने लगे, तुम क्या हो, तुम भटकते फिरते हो जंगल में, हैं अपना कोई धंधा करके क्यों नहीं खाते हो, इस तरह की भाषा बोलने लगे। उस समय दुर्वासा जी उस बनी में जाकर बैठ गए द्वारका के बाहर थोड़ी सी दूरी पे, और द्वारका के अंदर इस बात की एक ऐसी रूमर चली, चर्चा का विषय बना के एक महापुरुष आए हैं दुर्वासा जी, बड़े पहुँचे हुए संत हैं और भूत भविष्य और वर्तमान की सब जानते हैं। श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न और उसके साथियों ने मिलकर एक कुबदसु जी, उन्होंने एक फैसला लिया कि भाई ऐसे सुन रहे हैं कि ये दुर्वासा जी बड़े पहुँचे हुए महापुरुष हैं और भूत भविष्य की सारी जानते हैं, इसकी परीक्षा लेते हैं। उन्होंने क्या किया कि प्रद्युम्न को, श्री कृष्ण जी के पुत्र को, एक स्त्री का स्वांग करवा दिया, स्त्री के कपड़े बना दिए और एक गर्भवती स्त्री का स्वांग बना दिया, पेट के ऊपर एक कढ़ाया, जैसे छोंक छांक लाण की छोटी सी कढ़ाई हुआ घर में रसोई में, एक छोटी सी कढ़ाई पेट का बांध दी और ऊपर के उसका लोगड़ बांध दिया रुई सी, फिर कपड़ा बांध दिया ऊपर के और ताले कपड़े पड़ा दिए और मुंह ढक लिया, घूंघट काट के चल पड़ी। 10-12 उसके साथ और जो शरारती स्कीम बना कर गए थे वो गए। दुर्वासा जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि भगवान प्रणाम हो ऋषि जी को, हम आपके पास एक समस्या लेकर आए हैं। दुर्वासा जी ने पूछा, बोलो भाई क्या है तुम्हारी समस्या? कि ये व्यक्ति और ये इसकी पत्नी, इनके विवाह को 10-12 वर्ष हो गए थे ऋषि जी, अब भगवान ने दया बख्शी है या गर्भवती हुई है और ये उतावले हो रहे हैं, आपके बारे में सुना है कि आप भूत भविष्य और वर्तमान की सारी जानने वाले हो, तो ये आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इसका लड़का होगा कि लड़की। अब दुर्वासा जी ने अपनी दूरबीन ला के देखा, देव दृष्टि, उसने वो समझ गया कि बकवास कर रहे हैं रामजादे, लाल आँख करके अठाया चमटा ने बोला, यादव कुल का नाश होगा इससे, तुम्हारा नाश सर्वनाश होगा यादव कुल का, भाग जाओ राम जादो, तुम क्या कर रहे हो? और ये तो भाग लिए बालक, अगे थारा नाश होगा इससे। अब वो बच्चे भाग आए गांव में, बच्चा तक ये था पोता लड़का हो रहा था निरोध उसका, पर दो मन गए, बाकी कुबत तक कभी भी ये जो बुरा कर्म होता है आदमी को किसी न किसी एज में दुख जरूर देगा। तो नगर में जब आए उन्होंने सबको बताया कि ऐसे ऐसे हम गए थे, दुर्वासा जी तो सचमुच जानगे, वो तो सचमुच जानकार है, उन्होंने बता दिया कि ये गर्भवती नहीं है और तुम्हारा नाश होगा, जिससे तुमने गर्भ बना रखा है इसका, इससे तुम्हारा नाश होगा। तो गांव के जो मुखिया और बुद्धिमान से व्यक्ति बुजुर्ग थे उनको चिंता बनी कि बच्चों ने तो बकवाद कर दी और उसने श्राप दे दिया, सारे मरेंगे तम। तो उनमें से कुछ कहने लगे कि हमारे सिर पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, वाह भाई वाह, ये भी कोई डर की बात है, चलो उसके सामने उनसे प्रार्थना करते हैं। अब श्री कृष्ण जी के पास गए, श्री कृष्ण जी से जाकर अपना चिंता का विषय बताया कि भगवान ऐसे ऐसे बच्चों ने मजाक कर दिया और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, और दुर्वासा जी का श्राप तो बिजायल कैसा है, ये तो वापस हो ही नहीं सकता। तब श्री कृष्ण जी से कहा कि आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, आप समर्थ हो, सर्वशक्तिमान हो, आप विष्णु अवतार हो, जैसे भी उनके गुणगान किए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अभी देखो बच्चों को वहीं भेजो और दुर्वासा जी से माफ़ी मांगे, वो अक्षमा करेगा तो बात बनेगी। उन बच्चों को लेकर नगर के मुखिया व्यक्ति मौजूद से जो बुद्धिमान व्यक्ति बुजुर्ग से सारे साथ गए हजारों की संख्या में, दुर्वासा जी के सामने उन बच्चों को कहा कि माफ़ी मांगो, उन्होंने प्रणाम किया, माफ़ी मांगना चाहा, अक्षमा याचना की, लेकिन दुर्वासा जी ने कहा
कि जो मेरे मुख से वचन निकल गया वो वापस नहीं हो सकता। आप जाइए, अपने बच्चों को समझा के रखना चाहिए था, साधु संतों के साथ बकवास नहीं किया करते, आप जा सकते हैं। अब इसको वापस करना मेरे बस की बात नहीं है। फिर वापस आ गए, फिर श्री कृष्ण जी के पास के भगवान, उन्होंने तो मना कर दिया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो, किस चीज़ से अपुणात्माओं, इस कथा से आपको बहुत सा ज्ञान होगा, हर पहलू पर इस पर विचार दास आपको देगा। अब देखो, हम किसी, ये जो श्राप दे दिया है तीन ताप के अंदर आता है, किसी को श्राप दे देना, किसी पर गाल गाल देना, किसी का प्रेतात्मा छोड़ देना, सीधे जंतर मंत्र कर देना, किसी के ऊपर काला जादू कर देना, ये तीन ताप के अंतर्गत आते हैं। और इन तीन तापों के दुख से पूरे यादवग्रस्त हो गए और श्री कृष्ण भगवान का लावे, श्री कृष्ण जी उस ताप से मुक्त नहीं कर सका, उनका नाश हुआ लास्ट में। हालांकि समाधान भी बताया उन्होंने, अब और जितने इनके पुजारी हैं, राम कृष्ण ब्रह्मा और शंकर भगवान के जो संत हैं, उनके गुरु ने उन पदों पर बैठे हैं, वो भी समाधान बताते हैं। जब श्री कृष्ण जी के समाधान बताने से साथ जो साधना क्रिया उसने बताई, उनके करने से कुछ लाभ नहीं हुआ, तो ये इनके जो पुजारियों के बताए हुए समाधान से आप क्या लाभ लोगे, इससे इतना निष्कर्ष निकलेगा। अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो, चिंता मत करो, सीधा सा हल है इसका, कि किस से हमारा नाश होगा, कि जो कढ़ाई बांधी थी पेट पे लोहे की कढ़ाई, और जो कपड़े पहन रखे थे लोगड़ रुई लगा रखी थी, इनको तो जला दो कपड़ों को। तो रही बात कढ़ाई की, उस कढ़ाई को प्रभास क्षेत्र में चले जाओ, जमुना के किनारे सारे, और अपने ड्यूटी लगाओ, पांच पांच दस दस बीस बीस व्यक्तियों की डेली, कि उस कढ़ाई को पत्थर पर घिसा घिसा कर उसका चूरा बनाकर जमुना में फेंक दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सब ने बड़ा अच्छा लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने तो कमाल कर दिया, वाह भगवान वाह भगवान, कि वो गुरु भी थे, श्री कृष्ण जी आध्यात्मिक गुरु भी थे पांडवों के और यादों के। तो इस बात को सुनकर सभी ने खुशी मनाई कि ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लगा दिए 20-20, 50-50 व्यक्तियों की सेवा, कि जाओ जहाँ भगवान ने बताया उस क्षेत्र में जाकर, प्रभास क्षेत्र में, और जमुना के किनारे पत्थरों पर घिसा घिसा कर चूरा बना दो। अब घिसाने से पहले दोनों कड़े थे, वो कड़े तोड़े पहले तो अलग अलग पकड़न के। अब उन कड़े घिसाने की ड्यूटी अलग दे दी, चार चार पाँच चार की, कि तुम्हारी ये कभी कितने दिन में घिसाओ इनको, बाकी उन्होंने घिसा घिसू के वो कड़ा चूरा बना दिया। एक के पास दो चारों को कड़ा मिला था, जिसने लास्ट में थोड़ा सा रह गया था, वो गोल गोल नोका चमक गया, तो उस चमकदार सा घिसाने से चारों तरफ से चमक गया वो। तो उसने सोचा, जो आलसी सा था, सब ने अपना काम कर दिया, मेरा भी घिसा नहीं, तो उसने सोचा इसे एकड़े में के बिजली पड़ा, यूँ कि उसने जंगल में उस जमुना में फेंक दिया वो कड़ा, बाकी शेष कढ़ाई घिसा दी थी, उसका चूरा बना दिया। अब वो किसी मछली ने खाद्य पदार्थ जान कर वो खा लिया, उस मछली को पकड़ दिया एक शिकारी ने, जिसका नाम बालिया नाम का एक धीमर था, जो मछियारा था, उसने पकड़ कर मच्छी जब ले गया, वह काटी मछली काटी, तो उसमें से वह सफ़ेद धातु निकली, बहुत चमकीली। तो शिकारी ने सोचा कि यह होना हो कोई अच्छी फौलाद होगी या कोई चांदी ना हो, वो लेके गया सुनार के पास। सुनार कहने लगा, भैया चांदी नहीं है ये तो, अच्छा फौलाद अच्छा है। वो लोहार के पास ले गया, लोहार ने कहा कि बहुत अच्छा इस्पात है, और इसका क्या बनाऊँ। तो शिकारी ने कहा कि मेरे इस तीर का आगे का एरो बना दे, मेरे सर के ऊपर डाल दे, इसने बना के विषाक्त बना देना। तो उसका तीर के जो बाण होता है, तीर का उस बाण के आगे एक गोल एरो होता है तीखा, ताकि वो पशु पक्षी के जाके सीधा लगे मार दे उसको।
तो वो विषाक्त बनवा लिया। उधर से कुछ दिनों के बाद उधर से जिन्होंने वो चूरा फेंका था जमुना में, उसका घास हो गया जैसे डाब कुश, जैसे कुश होती है ना कुसा, कुसा की तरह, और लम जैसे ईंख देखा हो, ईंख जैसे पत्तों का, और तेज धार के पत्ते उसके, जैसे आपने, हमें मालूम है कि जैसे कई बार डाब होती है जिसको कुश बोलते हैं कुसा, उसके इतने तीखे पत्ते होते हैं उंगली का लपेटा आ जाए तो उंगली काट देता, वो आधे से ज़्यादा काट देता, आधी, इतने तेज पत्ते होते हैं। लेकिन वो तो दुर्वासा के शराब से सापित था, वो एक ऐसा घास हो गया। उधर से क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद, एक वर्ष, दो वर्ष, चार वर्ष के बाद क्या हुआ, आपस में द्वारका के अंदर झगड़े शुरू हो गए, छोटे बड़े की लाज रही नहीं, थोड़ी सी बात पर मार काट मचा दी, थोड़ी सी बात पर कत्लेआम करने लग गए। फिर गांव के लोग, पहले धार्मिक बहुत होते थे, अभी तक हुआ करते थे, गांव के अंदर कोई भी आपत्ति होती थी साधु संतों से, उसका विकल्प, उसका समाधान चाहा करते थे कि किसी तरह शांति हो नगर में, तो उनके पास तो श्री कृष्ण ही थे, फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल, लास्ट एंड फाइनल श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी से बताया कि भगवान पता नहीं नगर में क्या बढ़ गया, क्या घुस गया नगर के अंदर, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, बड़े छोटे की लाज रही नहीं, जरा सी बात होती है लठम लट्ठा कतलेआम होने लगे, भगवान कोई दया बख्शो, कोई समाधान बताओ इसका। तो श्री कृष्ण जी ने क्या समाधान बताया कि अभी तुम्हारे ऊपर दुर्वासा जी का जो श्राप है वो प्रभावी हो गया, वो फल रहा है। तो बड़े चिंतित हुए, पहले तो भगवान ने समाधान बताया था कि इस सारे निगेसा के सूखा चूरा बना कर डाल दो जमुना में, ना रहेगा बांस, ना रहेगी, बजेगी बांसुरी। जब वो इस बात से संतोष पाया था लोगों ने कि चलो हो गया समाधान, और आज फिर श्री कृष्ण जी वही कह रहा है कि दुर्वासा जी का श्राप तुम्हारे ऊपर फल रहा है, अब वो उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती। जैसे हम भी ऐसे ही दुखी थे, पहले जाते थे गुरु, किसी गुरु के पास, वो कुछ अपना दुख लेकर वो कुछ समाधान बताता था, फिर दूसरी बार कुछ और समाधान बताता था, तीसरी बार कह देता था ये तो तेरे भाग में है, तेने भोगना ही पड़ेगा, फिर पहले डड़े क्यों ढुआ रहा था ये, ऐसे ये सब का यही स्थिति है। तो श्री कृष्ण जी ने पहले ये कहा था, फिर कह रहा है कि अब तो ये भोगना ही पड़ेगा तुम्हें, अब ये वो फल गया। तो फिर समाधान पूछा कि भगवान फिर आप समाधान बताओ, ऐसा करो सभी जितने भी नर यादव हैं, पुरुष मेल ओनली, चाहे नवजात शिशु भी क्यों ना हो, प्रभास क्षेत्र में जाओ जहाँ वो कड़ाया घिसाया था और चूरा डाल रखा था, वह घास उग रहा इतना बड़ा बड़ा कि वहाँ जाकर सभी के सभी जमुना में स्नान करके आओ, तुम्हारा साप पाप मुक्त हो जाओगे, साप मुक्त हो जाओगे जमुना में नहाने से, स्नान करने से। अब सब बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ा सरल उपाय बताया भगवान ने, और सभी अपने अपने बच्चों को, नवजात शिशु से उसी दिन जन्मा था उसी भी लड़के को, ओनली लड़कों को ले गए साथ में, और पहुंच गए 56 करोड़ वहाँ पर। पहले स्नान करें जाते ही ताकि साप कटे, हमारा पाप, ये साप नाश हो, शराब खत्म हो, और बाहर आते ही, क्योंकि पहले मन मुटाव चल ही रहा था सभी का, उसने तू ऐसे क्या बोला था उस दिन, तू ऐसे कह, उस दिन सारे इकट्ठे हो गए, तब तो कभी कभी मिले थे, बाहर आते वो एक दूसरे को गाली गलोच लठम लट्ठा, और घास निकाल लें, घास पाड़ें और मारें, गर्दन में लग के आर पार हो जाए, तलवार का काम करने लग जाओ घास, और 56 करोड़ यादव कटका मर गए। गए थे वहाँ सांप नाश कराण, अपना नाश कर लिया वहाँ जाके, श्री कृष्ण जी के बताए समाधान अनुसार, उनका सांप तो कटा नहीं, सांप तो नाश होया नहीं, यादव का नाश हो गया। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं कि गरीबदास जी कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना ये तीनों तापम, समर्थ का शरण गहो रंग होरी हो, भाई कदे ना हो ऐ काज राम रंग होरी हो।
कि समर्थ की शरण में आ जाओ, तुम्हारा कभी अकाज नहीं होंगे और ये तीनों ताप का नाश हो जाएगा। अब प्रसंग चल रहा है उसी पर चलते हैं। अब 56 करोड़ यादव कटका मर गए, आपस में कतलेआम कर दिया। विष्णु पुराण के अंदर लिखा है कि कुछ यादव बच गए थे। श्री कृष्ण जी फिर गए अपने वहाँ से, नगर से बाहर निकले, उसने उस घास को पाड़ा, उसमें यह लिखा कि वो मूसल बन गए, मूसल। उन मूसलों से शेष बचे हुए यादों को खुद श्री कृष्ण जी ने मारा, कति नाश कर दिया। और आप जाकर लेट गया प्रभासक क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे, भगवान श्री कृष्ण के पैर में पद्म, एक चमकीला पदार्थ जैसे हमारे तिल हो जाते हैं, मुछ हो जाते हैं, ऐसा उनके पैर में जन्म से ही एक पद्म था। वो रात्रि में ऐसे चमकता था जैसे 50-100 वाट का बल्लभ चस्याग्रह जगे, और दिन के अंदर भी उसकी चमक सी बनी रहती थी। तो श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे सारा जब उनका नाश हो लिया, रहे खे को खुद मार कर शेष बच्चों को, और बैठ लेट गया उस वृक्ष के नीचे, पैर पर पैर रख के, पैर घुटने पर दूसरा पैर रखा हुआ था, पद्म वाला पैर ऊपर था, वो चिमक रहा था। और वृक्ष की जो चारों तरफ जो टहनियाँ थी झुकी हुई थी, झुरमट सी बनी हुई थी। और वो शिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का अपना विषाक्त तीर बनवाया था, जहर से बुझा कर तीर बनवा रखा था, उसी तीर को लिए हुए उस दिन, और सुबह से लेकर दोपहर तक वो घूमता रहा जंगल में, कोई शिकार नहीं मिला, उसको शिकार करने गया था। उसने क्या देखा कि वृक्ष की झुरमटें इतनी नीचे तक लटक रही थी, जमीन को छू रही थी, उनकी अंदर से उसने भगवान श्री कृष्ण जी के पैर के पद्म की एक चमक देखी। उसने सोचा कोई मर्ग बैठा है, हिरण, और उसकी आंख चमक रही है। यदि मैं इधर से इधर से जाऊंगा तो ये भाग जाएगा, कोई हिरण मुझे मिला नहीं है, क्यों ना यहीं से इसको मार डालूं, झुरमठों में से निशाना साध कर मर्ग की, हिरण की आंख जान कर भगवान श्री कृष्ण के पैर पर तीर मार दिया विषाक्त। ज्यों ही तीर लगा, श्री कृष्ण जी कराहने लगे, रे मर गया, रे मर गया, रे मर गया, रे। शिकारी ने सोचा किसी मनुष्य के लग गया भाई, ये तो बात बिगड़गी। दौड़ के आगे देखा, क्या देखा कि द्वारकाधीश मुकुट समेत वहाँ तड़फ रहा है। उस मुकुट आदि से वो पहचान गया कि ये राजा है। तब उसने करबद्ध होकर कहा कि भगवान मुझे गलती होगी, अनजाने में लग गया, मेरी आप तो अंतर्यामी हैं, आप सारी जानते हो, मेरी इच्छा नहीं थी आपको मारने की, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी आपसे, और ऐसे ऐसे मेरे से गलती होगी, मैंने आपके इस चमक को हिरण की आंख जाना। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि काल के हाथ में रिमोट व दिवदृष्टि दे दी, कि भाई ये तेरा और मेरा कोई पिछला अकाउंट था वो क्लियर हो गया, तेरा और मेरा पिछला हिसाब था वो क्लियर हो गया, तेरा दोष नहीं। अब वो शिकारी कहने लगा, भगवान आपका और मेरा, आप राजा में रंक, आपका और मेरा क्या हिसाब हो सकता है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं श्री राम रूप में आया था राजा दशरथ के घर, और आप थे बाली सुग्रीव के भाई, उस समय मैंने आपको वृक्ष की आड़ लेकर धोखा देकर मारा था, और आपने जब कहा था कि आपने ये बदला देना पड़ेगा, आप युद्ध के नियम से फेल हो गए हो, तब मैंने कहा था कि इतना बदला दूंगा, आज तेरा मेरा वो अकाउंट क्लियर हो लिया। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं, बदला कहीं ना जात है इस तीन लोक के माही, सतगुरु मिले कबीर से फिर लेन देन कछु नाही। अब क्या बताते हैं कि तीन लोग के इन भगवानों ने भी अपना टिट फॉर टेट पूरा करना पड़ता है, और तुम इनसे अपने संस्कार कटवाने की के लिए भक्ति कर रहे हो कि हमारा पाप कटे, हमें दुख दूर और सुख दे,
ये अपने दुख नहीं दूर कर सके, तुम्हारे कैसे कर देंगे, भगवान कहा करते थे कबीर जी। और समर्थ कबीर साहब की शरण माने से फिर ये लेन देन समाप्त कर देंगे आपका, कुछ नहीं बचेगा, सब अपनी कलमिन के पास, समर्थ के पास पावर होती है कि मासा घटे ना तिल बधे, विध ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। अपने आत्माओं सूक्ष्म वेद में बताया है, दुर्वासा को पे तहां समझन आई नीच, 56 करोड़ या दो कटे वो मची रुद्र की कीच। अभी ये भगवानों की तो दे दिया हिसाब किताब आपको, ये भगवान तो इसे थे आपके। अब जिनको आप ऋषि महर्षि मानते थे, दुर्वासा जी को तोप मानते थे के बड़े महापुरुष हैं, वो तो नीच थे एक नंबर के, सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने कहा है कि दुर्वासा कोपे तहां, दुर्वासा वहां क्रोधित हुआ किस बात पे, बच्चों ने मजाक कर दिया कि बिजली गिर गई थी, साधु संत ठीक है बेटा भाग जाओ, खबरदार आगे बकवाद करते है निकम्यो, ऐसे करते संतों के साथ मजाक करते, इतना कह के छोड़ सके था, और शराब दे दिया तुम्हारा नाश होगा। आम व्यक्ति से भी गिरे हुए थे ये लोग जिनको मैं ऋषि माना करते थे। एक बुजुर्ग आदमी बड़े आदमी से को बालक मजाक भी कर ले उसको इतना भयंकर शराब दिया करते हैं, पुरात्माओं जैसे किसी के हाथ में बंदूक है पिस्टल है और कोई बालक मजाक कर दे और उसका वो गोली मार दे, वो तो एक ढेर आदमी होगा समर्थ, उसको पता है तो उस कितनी कितनी भयंकर वस्तु लिए यार, किसके किसके ऊपर दाग रहा है, वो नीच व्यक्ति होता है मजाक करने पे भी इतनी भी सहन नहीं कर सकता। तो इस स्थिति के थे वो ऋषि, उनके पास ये हथियार थे वचन के और शराब देने के। तो यहाँ सूक्ष्म वेद में लिखा है कि दुर्वासा को पे तहां क्रोधित हो गए और समझ न आई नीच, ये भी नहीं सोचा तू क्या करने जा रहा है, और 56 करोड़ रियाद दो कट गए और वह मची रुद्र की कीच, यानी रक्त की गारा माचगी, खून की गारा मचगी, 56 करोड़ आदमी जहाँ लाश हो जा और नदी बह कर चल पड़े खून की रक्त की। तो यहाँ पुण्यात्माओं ना तो ये भगवान समर्थ जिनको हम पूजा करते, ना ये ऋषि एक अन्य के जिनको ज्ञान ही नहीं था, इनको ये नहीं पता भगवान कौन है। अब ये भगवान के लिए निकले थे घर से, साधना करेंगे भक्ति करेंगे, अंगारों से शीतलता की खोज करने लगे, अंगारों में अंगारों पर चलने के अभ्यस्त हो गए, थोड़ी बहुत थोड़ी आंच को भी हम थोड़ी ही आग को आंच को हम सुख मान रहे, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा क्या कहते हैं, भाई तन दर सुखिया कोई ना देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो, तंदर सुखिया कोई ना देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करे मन सबका कियो विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो, घाटे बाधे सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो, सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो, तंदर सुखिया कोई ना देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया,
तपस्वी को दुख दूना हो, जंगम दुखिया योगी दुखिया। तपस्वी को दुख दूना हो, आसा तृष्णा सब में व्याप, कोई महल ना सुना हो, कोई महल ना सुना हो, तन दर सुखिया। कोई ना देखा जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं मुन सुभ को कियो विवेक हो, सबका किया विवेक हो। भाई साच कहूँ तो जग न मने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो ये जग न मने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये रहा चलाई हो, जिन ये रहा चलाई हो, तन दर सुखिया। कोई ना देखा जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं मुन सब का किया विवेक हो, सबका किया विवेक हो। भाई सूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। सूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। कहें कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो, तन दर सुखिया। कोई ना देखा जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं मुन सुब को कियो विवेक हो, सबका किया विवेक हो। सूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। सूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। कहें कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो, तन दर सुखिया। कोई ना देखा जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेक हो, सबका किया विवेक हो। गुणात्मो सौभाग्य आपका और धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपको वो अनमोल वचन सुनने को मिल रहे हैं जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छींट भी नहीं लगी थी इस ज्ञान की, जो आपके ऊपर वर्षा कर दी भगवान ने, कभी सीडी के माध्यम से, कभी सत्संग के माध्यम से, कभी चिप के माध्यम से, परमात्मा आपकी आत्मा पर वर्षा कर रहे हैं। और इस ज्ञान से एक बार परिपूर्ण हो जाना, आप देखना फिर भगवान यहाँ भी सुख देगा और सतलोक में जाओगे जहाँ कभी मृत्यु नहीं होती, कभी वर्ध अवस्था नहीं आती, किसी चीज़ का अभाव नहीं वहाँ पर। अब जो प्रसंग चल रहा है, जिस लोक में आप रह रहे हो ये अंगार बरस रहे हैं, और जहाँ अंगार थोड़े से कम हैं, हल्की आग वाले, हम उनको सुख मान बैठे। अब क्या बताते हैं कि घाटे बाधे सब जग दुखिया, और के गृहस्थी बैरागी हो। अब देखो पुणात्मा, परमात्मा पाने के लिए जिसने घर त्याग दिया, हम उसको बैरागी मानते थे, सन्यासी मानते थे। अब वो बैराग प्राप्त करना और सन्यासी होना हमने कहाँ से ग्रहण किया, कौन से ग्रंथ से प्राप्त किया हमने ये ज्ञान? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4, 5, 6, 7 में स्पष्ट वर्णन किया है कि अर्जुन, यदि तू काम छोड़ कर कर्म सन्यासी बन गया, जंगल में जा बैठा, तेरा निर्वाह कैसे होगा, पेट कैसे पालेगा तू? इसलिए तू काम भी कर और भक्ति भी कर।
फिर ये कहाँ से लाए, जंगल में घर छोड़ कर चले गए, जंगल में जाकर सुख होगा, जंगल में कैसे सुख होगा अपन में। अब घर में सारी सुविधा आपको, समय पर रोटी मिल रही है, झोंपड़ी है, मकान है, जैसा भी आपको सुविधा क्रमानुसार मिली है उसमें संतोष करो और उसमें बैठ कर अपना भक्ति करो। समय पर भूख लगेगी तो खाना खाया, भूख समाप्त हुई, वह इच्छा खत्म हुई, वो कल्पना समाप्त हुई तो भक्ति करेगा। यदि रोटी मिली नहीं तो भक्ति कैसे करेगा, उसी को सोचता रहेगा कहाँ से लाऊँ कैसे मिलेगी। भक्ति का सुमरण, रोटी का सुमरण होगा वो भगवान का नहीं होता। अब जैसे घर छोड़कर चला गया, वैरागी बन गया, वहाँ जाके गर्मी भी लगेगी, सर्दी भी आवेगी, वर्षा भी होगी, उसके लिए फिर झोंपड़ी डालनी पड़ेगी उसने, वहाँ झोंपड़ी या गुफा खोदनी पड़ेगी, और भूख लगेगी फिर गांव में जाना पड़ेगा मांगने के लिए, दिए माई गालिए दिए एक रोटी। अब जब तक रोटी ना मिलेगी इतना भगवान तो याद आवे कोई ना, रोटी याद आऊँगी इसके। तो परमात्मा कह रहा है, उन्हें बताया करके, जो साधना करनी चाहिए जो उसका तरीका है वो तुम्हें पता नहीं। आप फिर ये सोच बैठे कि उन्हीं को भगवान मिलता होगा जो जंगल में चले जाते हैं, खड़े होकर तप करते हैं, दोनों के ऊपर तपते हैं, ये तो मूर्खों की साधना थी। परमात्मा कहते हैं कि दंभ करें, दंभ माने पाखंड है। लोग दिखावा ड्रामा करते हैं, बैठ जाएंगे कि तो धूना लगा के ऊंचे से स्थान पर बैठेंगे ना, खूब दूर तो सब नजदीक महात्मा बैठा है ताकि दुनिया आने लग जाए और उसकी पूजा शुरू हो जाए। डंब करें डूंगर चढ़ें, डूंगर माने पहाड़ पर बैठ जाते हैं जाकर ये लोग नकली। डंब करें डूंगर चढ़ें अंतर झीनी झूल, और जग जाने बंदगी करें बो है सूल बबूल। परमात्मा अपने सूक्ष्म वेद में कहते हैं कि दुनिया तो जनता तेने सोचा ये भक्ति कर रहा है, बड़ा महापुरुष है, दूना लगा के बैठा है और कपड़े भी त्याग रखे के लंगोट बांध रखा है, और परमात्मा कहते हैं जग जाने बंदगी करे भक्ति करे यो बो है सूल बबूल। तप से जो तपस्या वो करते, जैसे दुर्वासा ने खूब तपस्याएं की थी और क्या प्राप्ति की, अंगारे भर लिए अपने अंदर, तोब ये बकवाद सिद्धि की, वचन से किसी का नाश कर देना। अब दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया बेमतलब बकवास का, अब उसने उसके बैड अकाउंट में लिख दिए, वो 56 करोड़ मानस व्यक्ति उसने मार दिए वचन से, और वो उसके बैड अकाउंट में लिखे जाएंगे। जब ये कुत्ते की योनि में आएगा दुर्वासा, इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, वो 56 करोड़ आत्माएं इसको खा रही होंगी। ये बल बाल यहाँ कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तीनों यहाँ बता रहे हैं जग जाने बंदगी करे, परमात्मा कहते हैं यो बो है सूल बबूल, इन्हें तो कांटे बोली अपने भविष्य में, सिद्धि सिद्धि पाके किसी को बेनिफिट दे दिया, किसी को हानि दे दी, दोनों अपनी भक्ति अक्षिण करी, उधर से पाप इकट्ठे कर लिए। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि घाटे बाद सब जग दुखिया, जैसे किसी को हानि होगी व्यवसाय के अंदर तो दुखी स्वाभाविक दुखी है, तो होगा दुखी होगा, और जिसके घना बेनिफिट हो गया, जैसे किसी का 1 लाख का लाभ हो गया व्यवसाय में, वो 5 लाख का काम शुरू करेगा और 4 लाख लेगा कर्ज, फिर उसमें हो जा नुकसान, फिर वो कर्ज जो ले लिया नुकसान भी ना हुआ, काम चल पड़ा, कुछ दिन में वो मांगने वाले शुरू हो जाएंगे आने, उसने नींद आवे नहीं, कभी फैक्ट्री में हड़ताल होगी, कभी कुछ हो गया, वह समस्या हो रहेगी। कहते हैं यहाँ हानि हो जा तो दुखी, और लाभ हो गया तो दुखी, घाटे बाद सब दुख दुखिया, और के गृहस्थी बैरागी हो। अब बैरागी बनकर जंगल में जा बैठा, वहाँ भूख लगी, समस्या ही गर्मी और सर्दी वर्षा, ओले पड़े सिर में, फोड़ दे सिर ने, उसके लिए झोंपड़ी डाली, फिर बर्तन भी लाया तो इधर से मांग मूंग गए, फिर वो सांग जोड़ लिया जो छोड़ कर गया था घर से, क्या फ़ायदा है वहाँ जंगल में बैठने का, घर में समय पर टूक मिल रहा है, रोटी मिल रही है, खाओ और भजन करो, अपना काम भी करो, निर्वाह भी करो। तो ये वास्तविक तरीका यही था, इन नकलियों को देखकर हम सच्चाई हमें प्राप्त नहीं थी, हम भी ये सोचते रहे कि इन्हीं को भगवान मिलेगा, फिर भी हम छोटी मोटी अपनी राहत के लिए भगवान को याद करते रहते थे, वो भी तरीका ठीक नहीं था।
कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो। और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। अब माँ के गर्भ में बच्चे को अपना भविष्य का और पूर्व जन्म की सारी याद रहती है कि पिछले जन्म में मैंने क्या क्या गलतियाँ की, इतने मनुष्य जीवन मुझे मिले मैंने कैसे बर्बाद कर दिए, संत पूरा मिला नहीं, साधना ठीक बनी नहीं, अटपट करके सिद्धियाँ प्राप्त करके अपना जीवन नाश किया, फिर 84 लाख योनियाँ भोगी मैंने, वो सारी इतिहास देखता रहता, पिछली बैकग्राउंड ट्रेलर चलता रहता इसके आगे, अगला जीवन भी उसको दिखाई देता कि इसमें मेरे साथ के बनेगी। तो ये सोचता है कि हे भगवान, अब के इस नरक से निकाल दाता, पीछे गलती हुई सो हुई, अब के गलती नहीं करूँगा, परम संत को खोजूंगा, केवल भक्ति करूँगा, आपको याद करूँगा, पीछा छुटवाऊँगा, जन्म मरण का रोग कटवाऊँगा और केवल अपना छोटा निर्वाह के लिए अपना सिंपल वे से रहूँगा और निर्वाह के लिए काम भी करूँगा, लेकिन भक्ति अवश्य करूँगा, मूल उद्देश्य जानकर करूँगा, मुझे एक बार निकाल दो बताता। तो इसी बात को याद करके सुखदेव ऋषि जी ने 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आए। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के व्यवस्थक हैं, इनको चिंता बनी, काल ने इनको प्रेरणा की, अंडरग्राउंड रूमेट उसके हाथ में है, इन्होंने मीटिंग की कि अभी एक सुखदेव नाम के ऋषि हैं, एक बच्चा है गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है, 12 वर्ष हो गए, ऐसे अगर ये मर्यादा हमारी खराब होगी तो बहनें 12 वर्ष तक बच्चों को गर्भ में रखने लगेंगी तो माँ दुखी हो जाएंगी, बच्चा तो 9 महीने मुश्किल से हो जाता है इन बहनों को माताओं को गर्भ में रखना। तो उन्होंने सोचा भी चलो वो ऋषि आत्मा है, उससे प्रार्थना करते हैं, उसी को कहते हैं, उसको मनाते हैं। तीनों आगे, तब तीनों ने आकर कहा कि ऋषि भाई सुखदेव तू बाहर आ जा, ऐसे ऐसे हमारी परंपरा खराब मत कर। तब उसने कहा कि भगवान बाहर आते ही आपकी त्रिगुणमयी माया से ये जीव इतना अंधा हो जाता है, इसको भूत भविष्य का कुछ याद नहीं रहता, आप ये अपनी माया रोक लो तब मैं बाहर आऊँ, कुछ देर के लिए रोक दो। तो उन्होंने कहा भाई देखो इसको हम नहीं रोक सकते, ये हमारे बस से बाहर की बात है, हमारे अंदर एक ऐसा गुण भर रखा है तो इसको हमारे लिए रोकना असंभव नहीं है। तो सुखदेव बोला मैं तो बाहर आऊँ नहीं, चाहे 20 वर्ष रहना पड़ो, 100 वर्ष रहना पड़ो। तब उन्होंने लास्ट में ये फैसला किया भी हम ज़्यादा देर नहीं रख सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम केवल इतनी देर रख सकते, ये देख ले कितना क्षण है। सुखदेव जी ने कहा कि तो आप इतना ही रख लो, देर रोक दो इसको। तो जब वो बाहर आते हैं तुरंत उनकी त्रिगुण तीनों गुणों का जो इफेक्ट है हमारे ऊपर एकदम असर करता है। उस समय जब वो माँ के गर्भ से बाहर आया तो वो इतनी देर रोके, इतनी देर बाहर आ गए, वो चले गए अपने आत्माओं, उसको इस दुख के डरते हैं गर्भ में माया त्यागी कि मैं इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, अपना मोक्ष कराऊंगा, मोक्ष बालकों का खेल है, घर से उठ गया आकाश, पिछले संस्कार से उसमें इतनी सिद्धि थी आकाश में उड़ जाता था, आकाश में उड़ गया, आगे जाके धरती पर टिकना तो पड़ेगा, आकाश में कितने दिन रहेगा, रोटी भी खानी है, आगे नहाना धोना भी होता है, फिर वहाँ तो पृथ्वी पर फिर गिरा वापस। कहने का भाव ये है कि फिर इस पिछले पूर्व जन्म के भक्ति शक्ति से कुछ सिद्धियाँ आ जाती हैं और उन सिद्धियों से हम ये मान बैठते हैं कि ये बड़ा महापुरुष है, सिद्धि तो इस प्राणी का सबसे बड़ा दुश्मन है, अरे इसके लिए ये इसी के कारण ये सब ऋषि और महर्षि प्रसिद्ध हो रहे थे। अंत में आपने कथा बहुत बार सुनी है सुखदेव ऋषि की, ये ऋषि महर्षियों में जाता था, इसका बड़ा सत्कार करते थे, स्वर्ग लोक में जाता था वहाँ भी इसको विशेष आसन दिया जाता था, बड़े महापुरुष हैं। एक दिन विष्णु लोक में चले गए, प्रत्येक जैसे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में और प्रत्येक प्रांत में गवर्नमेंट रेस्टोरेंट, गवर्नमेंट वो होते हैं ये रेस्ट हाउस होते हैं, उसमें उच्च अधिकारी ही रुका करते हैं। तो ये सुखदेव प्रत्येक
भगवानों की इन लोकों में, शिवलोक में, विष्णु लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, इंद्र के लोक में, इनके अपने अपने अलग से रेस्टोरेंट हैं जिसमें अधिकारी गण यानी देव लोग ही जाकर रुकते हैं। तो ये पहुंच गया वहाँ पर सुखदेव ऋषि विष्णु जी के लोक में, उस रेस्ट हाउस में जाने लगा। सामने खड़ा था गेट कीपर, उसने रोक दिया, ऋषि जी रुको। कहाँ जी बोलो, आपका अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ, आप कौन हो, किस रैंक के हो, क्या मतलब कि आपका गुरु कौन है। कि मेरा कोई गुरु नहीं, मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है, तो मैं, मेरे पास इतनी पावर है, ऐसी सीखती है। बोला जी ऐसे नहीं, इस रेस्ट हाउस में वही आ सकता जिसके पास ये, जिसका अपॉइंटमेंट हो रहा हो। और कहने का भाव ये है कि जो कोई अधिकारी हो, गुरु जिसने धारण कर रखा हो, और गुरु भी मान्यता प्राप्त हो, नकली गुरुओं से भी अलाउड नहीं आना, नकली गुरुओं के भक्ति करके गुरुओं से। तो ऋषि उस सुखदेव ने काफ़ी उसको उनके साथ जख मारा, लेकिन उन्होंने फाइनल कर दिया कि नहीं, विष्णु जी का आदेश है। तब ऋषि ने सोचा था, सुखदेव ऋषि ने, कि विष्णु जी बड़े खुश होंगे मेरे तय, मैं ऐसी भक्ति की हुई है, हर वो भगत बच्छल है। तो सुखदेव ऋषि ने कहा कि विष्णु जी से बात कराओ मेरी, तुम मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तो वो पार्क, वो पहरेदार गए विष्णु जी के पास, बाकी वहीं खड़ा रहा एक दो, कि भगवान ऐसे एक ऋषि आए हैं, सुखदेव नाम बता रहा है, और वो जिद कर रहा है इस स्वर्ग के अंदर रेस्टोरेंट में जाने का, रेस्ट हाउस के अंदर जाने की। तो विष्णु जी ने पूछा, फिर आपने मना क्यों किया, कि उन्होंने बताया कि उनका गुरु नहीं है कोई, निगुरे हैं वो, अधिकारी नहीं है, और आपका आदेश है कि जो निगुरा व्यक्ति हो, जिसका गुरु नहीं हो, इसमें अलाउड नहीं है, आदेश दो भगवान। क्या आदेश आपका, कि बिल्कुल ठीक है, नहीं जाना चाहिए। अब वो जिद कर रहा है कि मैं भगवान से बात करके ही वापस जाऊँगा, नहीं तो यहीं बैठूँगा। तो भगवान विष्णु ने आए बाहर। अब ऋषि जी ने सोचा तो यूँ था कि विष्णु जी बड़ी शाबाशी देंगे मेरे को, और ये सोच रहा था कि पहरेदार गेट कीपर ये मुझे जानबूझ कर हरास कर रहे हैं, विष्णु जी तो आते मुझे सीने से लगाएंगे, भगत वत्सल भगवान हैं, सतोगुणी हैं। जब भगवान विष्णु ने आकर पूछा कि ऋषि जी क्या वाद विवाद है तुम्हारा, यहाँ कैसे आए आप, तो आधा फ्यूज तो वहीं हो गया भगवान के चेहरे को देखकर कि आज ठीक ढंग से बोल नहीं रहे। तब ऋषि ने कहा कि सुखदेव ने, जी मैं ऐसे ऐसे, सुखदेव नाम है मेरा, और मैं रेस्ट हाउस में, इस रेस्टोरेंट में जाना चाहूँ था स्वर्ग में, इन्होंने मना कर दिया जाना, इन्होंने मुझे रोक दिया। तो भगवान विष्णु ने उन्हीं के सामने पूछा पहरेदारों से, अभी क्यों रोक दिया आपने ऋषि जी को। पहरेदारों ने बताया कि आपका आदेश है, जिनका गुरु नहीं है, मान्यता प्राप्त गुरु, वो इस आपके रेस्टोरेंट यानी इस आपके स्वर्ग में अलाउड नहीं है। तब विष्णु जी ने पूछा, क्यों ऋषि जी, आपका कोई गुरु नहीं। अक नहीं जी, सुखदेव बोले, नहीं मेरा कोई गुरु नहीं, कि जाइए आप यहाँ से और गुरु बना कर आइए यहाँ पर। अपने आत्माओं देखो, सुख संवेद से, ज्ञान से आपको पता चलेगा, सुख संवेद से, ये तत्व ज्ञान से। अब देखो, अभी तक हम क्या देखा करते, दास ने खूब देखा, जिन्होंने लाल कपड़े पहन लिए और कोई गुरु पद प्राप्त कर लिया, घर त्याग दिया, संन्यास हो गए, ब्रह्मचारी हो गए, तो वो ये सोचा करते गृहस्थी तो एक नेग्लेक्टेड आदमी है, उनको ये जैसे पहले शूद्रों को सोचा करते थे, इनकी ऐसी दृष्टि थी इन ऋषियों की। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राहुल शर्मा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं जलंधर से आया हूँ, पंजाब से। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं परस्यू कर रहा हूँ बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं हनुमान जी की बहुत पूजा करता था, उनका हनुमान चालीसा और बजरंग बाण ये सब मैं करा करता था, और साथ ही मैं शिव मंदिर है हमारे, पहले मैं आदमपुर में रहा करता था, एयरफोर्स स्टेशन, मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, एयरफोर्स स्टेशन में काम करते, तो वहाँ पर एक शिव मंदिर हुआ करता था, तो वहाँ पर रोज़ मैं जल अर्पित करता था शिवलिंग पर, और साथ में ब्राह्मण समाज में होने के कारण हवन यज्ञ वगैरह ये
सब हमारे घर पे चलते रहते थे, तो ये साधना मैं सर किया करता था। सर आपने बताया कि आपने हनुमान जी की और शिव जी की पूजा की, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर इनको इन भक्ति को करने से पहले मैं एक स्टूडेंट होने के नाते मैं इनकी एक भक्ति किया करता था। इस कारण एक स्टूडेंट क्या सोच सकते कि वो उसकी एक पढ़ाई सफल हो, उसकी नौकरी लगे, उसकी पढ़ाई सफल हो, तो मैं इस उद्देश्य से मैं उनकी पूजा किया करता था। और भक्ति मार्ग के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था, मैं बस इस कारण से उनकी पूजा किया करता था। जिसके कारण संत रामपा जी महाराज जी के जब से सत्संग सुनना शुरू किया तो हमें पता लगा कि वो साधना जो हम कर रहे हैं उससे कोई लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल शास्त्र विधि के विरुद्ध साधना थी। जब हमने संत रामपा जी महाराज जी ने एक वाणी बोली थी हनुमान जी की के लिए, एक वाणी बोली थी, उसमें हनुमान जी का एक नाम आया था, क्या था वो, माई मसाणी सेड़ शीतला भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजंत। अब इसमें ये मुझे मेरी वाणी ये दिमाग में खटकी और मैंने देखा कि मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ और उसमें क्या लिखा कि हनुमान की पूजा करने से परमात्मा हमें नहीं मिलेगा, तो परमात्मा नहीं मिला तो हमें लाभ भी नहीं कुछ होगा। सर आपने बताया कि पहले की भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं हुए, तो सर फिर आप संत रामपाल जी की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के पीछे एक कारण था। मेरे मम्मी पापा ने पहले आदमपुर डमुंडा से एक संत थे, कबीरपंथी थे, उन्हीं से ही नाम ले रखा था, उनसे जो भक्ति साधना मिली थी वो कर रहे थे। तो पापा को सत्संग सुनने का बहुत शौक हुआ करता था, उनकी एक लगन लगती थी सत्संग सुनने में, तो उनका समय कुछ ऐसा था वो शाम के समय आते थे और सत्संग लगा लेते थे। तो हम उनका विरोध भी करते थे क्योंकि कई बार हमें हमारा वो सीरियल का टाइम होता था तो हम वो सत्संग लगा लेते थे, इसके कारण हमारा तो उसमें मन नहीं बनता था, हम जितनी साधना थी वो हम किया करते थे। तो जब से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का जैसे ही सत्संग लगाया एक दिन, तो पहले दिन ही हम अपने सीरियल वगैरह सब भूल गए और संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों में ऐसी शक्ति थी कि हम उनका सत्संग सुनने लगे और उनका सत्संग सुनते सुनते हम रोज उनके सत्संग सुनने लगे। और जब पापा आदमपुर डमुंडा से एक संत थे तो वहाँ से एक सतनाम ऐसे मंत्र का जाप मिला था, तो जब उन्होंने गुरु जी ने प्रमाण सहित दिखाया कि वो सतनाम जो है वो दो अक्षर का नाम है, कोई ऐसा नाम नहीं जो सतनाम सतनाम कहने से कोई लाभ नहीं मिलेगा जब तक वो दो अक्षर का नाम नहीं मिलेगा। ऐसे नानक जी की वाणी में थी, सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक पढ़ावे ता प्राणी निज घर को जावे। और कबीर साहिब जी की वाणी में भी लिख रखा है, कह कबीर अक्षर दो भाग वो होगा खसम तो लेगा राख। और वो संत रामपाल जी महाराज जी ने जब बाले मर्द आने वाली जन्म साखी में से बताया कि ये दो अक्षर के नाम है और ऐसे कई जगह से प्रमाणित करके संत रामपा जी महाराज जी ने बताया कि असली सतनाम कौन सा है और उस जिससे जाप करें, जिसे नानक देव जी ने जाप किया और अनेकों संतों ने, गरीबदास साहिब ने, मलूकदास साहिब ने, दादू साहिब ने, इन सब संतों ने जिसका जाप किया जिसके कारण वो पार हुए, तो वही संत वही नाम जपने से हमारा भी मोक्ष होगा और हमें जो भी लाभ मिलेंगे वो उसी से ही मिलेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो मंत्रों का वो सही उच्चारण, वो जो जैसे मंत्र करने उसका हमें ज्ञान हुआ। फिर पापा को पता लगा तो पापा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जल्दी से गए। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने 2014 में नाम दीक्षा ली थी 20 अप्रैल। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सर मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से बहुत लाभ मिले। ऐसा खोजत एक वाणी थी, खोजत खोजत मैं फिरा कारण अपने राम, वो राम जैसे संत मिले जिन तारे सब काम। अब वो मुझे संत रामपाल जी महाराज जी सतगुरु वो मिले जिन्होंने मेरे ये काज सवारे। संत रामपाल जी महाराज जी जैसा कहते हैं कि उनकी शरण में आने से, वो कबीर परमात्मा की शरण में आने से वही लाभ मिलेगा। अन्य किसी परमात्मा से हम मांगेंगे तो हमें जितना हमने पूर्व जन्म में किया है वही हमें मिल पाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से मेरे परिवार में भी काफ़ी सुख मिला, जिससे हमारे पहले बहुत लड़ाई कलेश हुआ करता था, पारिवारिक झगड़े हुआ करते थे, रिश्तेदारों से झगड़े हुआ करते थे, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से वो सब ठीक हुआ। और मुझे सबसे बड़ी टेंशन एक जॉब की होती थी, क्योंकि मैं बीटेक कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो मुझे एक जॉब की होती थी तो कि मैं मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे जॉब मिली एक MNC कंपनी में और मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। और मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सीडेंट में क्या वो एक पठानकोट मैं अपने ट्रेनिंग पर जा रहा था सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैंड टूल मकसूदा पे, और एक्टिवा पे मैं लगभग 60-70 की स्पीड पे था और अचानक एक टेम्पू साइड से आया और कट कर गया और मेरे हैंडल पे लगा, जिसके कारण मैं गिर गया। तो
उससे उस समय मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी जान चली जाएगी। तो संत ऐसा लगा मेरे जैसे ज़मीन पर गिरा, तो मुझे लगा नहीं कि मैं ज़मीन पर गिरा, ऐसा लगा जैसे मैं फूलों पर गिर रहा हूँ। और संत रामपा जी महाराज जी की दया से उस टाइम मुझे बहुत कम चोटें आई, और इवन वो सड़क लगातार चलती है। मेरी मम्मी को बीपी हाई होता था, उनका 200 से कभी कम नहीं आता था, जो कि अब संत रामपा जी महाराज जी की जब से तारीखें लगानी शुरू की है उन्होंने, तो उनके घुटनों में भी काफ़ी फ़र्क है और बीपी भी उनका ठीक है। मेरी सिस्टर की एक मैरिज हुई, तो सिस्टर की मैरिज बिल्कुल सही तरीके से एक रमैनी के साथ हुई, जिसमें बिल्कुल दहेज की डिमांड, जिसमें बिल्कुल दहेज नहीं लिया गया। सबसे बड़ी टेंशन में यही होती थी कि पता नहीं किससे शादी होगी, कितना दहेज देना पड़ेगा, तो पापा बिल्कुल चिंता में रहा करते थे। जो सिस्टर की शादी होने के बाद हमारी बिल्कुल टेंशन ख़त्म हो गई। संत रामपा जी महाराज जी ने इतनी अच्छी एक मुहिम अपनाई है, जिससे दहेज रहित शादियां और ये शराब नशे से दूर रहना, ऐसे जो सरकार नहीं आज तक लागू कर पाई, वो संत रामपा जी महाराज जी के शिष्य अपना रहे हैं। और कोई भी आज संत रामपा जी महाराज जी का शिष्य कोई ना दहेज लेता है ना देता है, ना कोई शराब मदिरा मांस ये सब को छूता है, ना उन्हें खाता है। अगर मैं संत रामपा जी महाराज जी के शरण में ना होता तो शायद आज नशे में मैं भी पड़ा होता, क्योंकि मेरे पीयर सर्कल ऐसा है कि वो नशे करते हैं, और कई बार मुझे भी ऑफ़र करते हैं तो मैं उसे बिल्कुल मना करता हूँ। इवन उन्हें समझाता हूँ कि भाई ये बिल्कुल हानिकारक भी है सेहत के लिए, और भक्ति मार्ग से भी ये बिल्कुल सही नहीं है। सर, लोगों का कहना है कि भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए, लेकिन आप इतनी छोटी उम्र में भक्ति पे लग गए, आपका क्या कहना है? जी जी, ये बात सही है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो अगर मैं उस एक्सीडेंट में अगर मेरी वो मौत होती, तो अगर मैं उस समय जीवित ना रहता, मैं बुढ़ापे तक क्या पता पहुँच ही ना पाता, तो मैं क्या भक्ति करता? तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि बुढ़ापे में ही भक्ति होती है। भक्ति जो है वेदों में भी लिखा है कि वो 3 साल से शुरू हो जाती है। अगर हम ही कोई फ़ायदा हो रहा है तो कोई ये नहीं देखेगा कि मैं बुढ़ापे तक जाऊंगा और मैं तब भक्ति लूंगा। जब हमें अपने फ़ायदे की चीज़ लग रही है तो ऑब्वियसली हम उसे ग्रहण करेंगे। सर, जन समुदाय को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संत रामपा जी महाराज जी की शरण में आएँ और अपना कल्याण कराएँ, क्योंकि मानस जन्म ही ये दुर्लभ है जो मिले ना बारंबार, जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे तो बहुर ना लागे डार। कि एक जब अगर मानुष जन्म नहीं रहा तो आपको कुछ करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि मानुष जन्म हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख की यूनियाँ भुगत कर फिर जाके एक मानुष जन्म मिलता है, जिसमें जाकर हमें केवल भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं ये तो सभी जानवर जीव जंतु भी कर रहे हैं। परिवार को पालना, उनको बच्चे वगैरह पालना, जो भी सब कुछ करना है, ये सब दूसरे जीव भी कर रहे हैं। तो हमारा मानुष जन्म क्यों हुआ, क्यों हम सबसे डिफरेंट है, क्यों हमें माइंड दिया? आप सभी से प्रार्थना है, कर जोड़ कर ये प्रार्थना है कि जल्दी से आए, संत रामपा जी महाराज जी के सत्संग सुने, उन्हें अपने वेदों शास्त्रों से मिलाएं और देखें कि क्या वो सच बता रहे हैं कि नहीं। संत रामपा जी महाराज जी की ज्ञान गंगा पुस्तक है, उसे पढ़ें। जीने की राह पुस्तक है, उसे पढ़ें और देखें कि भक्ति मार्ग असली क्या है, और जल्दी से आएं और अपना कल्याण कराएं। सर, अगर कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? जी, बहुत सारे चैनलों पर और अनेकों चैनलों पर संत रामपा जी महाराज जी का सत्संग आता है। आप उसमें से देखकर नीचे पीली पट्टी दी हुई है, उसमें आप नंबर को मिलाकर ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवा सकते हैं, और उनसे बात करके आप संत रामपा जी महाराज जी के नामदान केंद्र पर जाकर नाम दीक्षा भी ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर जी, थैंक यू। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें